market around us. So first we need to understand what actually market is. Market can be defined as a place where buyer and seller engage in the activity of sale and purchase of good. कि मार्केट वो जगह है जहां पर खरीदने वाले और बेचने वाले चीजों की खरीद और बेचना जहां पर होता है. मार्केट और प्लेस हैविंग शॉप सेलिंग क्लोथ वेजिटेबल स्टेशनरी एक्सेट्रा. यानी कि मार्केट वो जगह है जहां पर हमें अपनी जरूरत की चीजें हम खरीद सकते हैं, क्योंकि जो हमारी जरूरत की चीजें हैं वो हम घर में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो हमें उन्हें बाहर से ही खरीदना पड़ता है. There are different types of market which may visit for everyday need, ranging from hawker's cart, vegetable seller, weekly market, retail market or a large shopping complex. तो markets भी कई तरह की होती हैं. वो एक छोटे से ठेले से लेकर सब्जी बेचने वाले तक weekly market, retail market जो हमारे घर के आसपास छोटी छोटी दुकानें होती हैं, और या एक बड़ा shopping complex भी हो सकता है. So you can see the picture of different types of things and different types of markets. Weekly markets. A weekly market is so called because it is held on a specific day of week. इसे weekly market इसलिए कहते हैं क्योंकि ये week में एक ही दिन, एक specific दिन ही लगती है. Weekly market do not have permanent shops. Traders set up shop for the day and then close them up in the इवनिंग. यहाँ पर परमानेंट दुकानें नहीं होती हैं, एक स्पेसिफिक दिन शॉपकीपर्स यहाँ पर अपनी दुकान लगाते हैं और शाम को वो उसे बंद कर देते हैं. देन दे मे हैव सेट अप एट अ डिफरेंट प्लेस नेक्स्ट डे, और अगले दिन वो किसी और जगह पर अपनी दुकान लगाते हैं. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट इन इंडिया, और भारत में हजारों ऐसी मार्केट्स हैं. पीपल कम हियर फॉर एवरीडे रिक्वायरमेंट्स, और लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदने के लिए यहां आते हैं. तो लेट वी टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ वीकली मार्केट. अवेलेबिलिटी ऑफ मैनी थिंग्स. मोस्ट ऑफ थिंग्स वी नीड आर अवेलेबल एट वन प्लेस. यानी कि हमारी डेली लाइफ में हमें जो चीजें खरीदनी होती हैं वो हमें एक ही जगह पर मिल जाती हैं, चाहे फिर वो सब्जियां हैं, ग्रॉसरी और क्लोथ आइटम. ग्रॉसरी मतलब जो हमारे घर का राशन लाइक दाल, मसाले, चावल, यूटेंसिल्स, बर्तन, ऑल ऑफ देम कैन बी फाउंड हियर. इट्स अ प्लेस वेयर द पीपल हैव अ चॉइस एंड अ वैरायटी ऑफ गुड्स. अब क्योंकि यहाँ पर एक ही सामान की काफी सारी दुकानें होती हैं, तो लोगों के पास वैरायटी और चॉइस, यानी कि अगर आपको एक चीज पसंद नहीं आती है तो आप उससे मिलती जुलती किसी दूसरी चीज को देख सकते हैं. सेकेंड एडवांटेज क्या है? चीपर रेट्स. कि यहाँ पर जो है वो बहुत महंगा सामान नहीं मिलता है, यहाँ पर सस्ता सामान मिलता है. मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स. अब चीपर रेट्स क्या क्यों है? क्योंकि जो परमानेंट शॉप्स हैं उनके बहुत खर्चे होते हैं, उनको रेंट पे करना है, बिजली का बिल पे करना है, सरकार को टैक्स पे करना है. लेकिन इस तरह की मार्केट्स में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है. अपने सामान के अलावा, उसको लाने ले जाने के अलावा शॉपकीपर्स को कोई और खर्च नहीं करना पड़ता. तो लेट वी सी सम पिक्चर्स ऑफ वीकली मार्केट. डीमेरिट्स ऑफ वीकली मार्केट. लेकिन वीकली मार्केट के कुछ नुकसान भी हैं. नो परमानेंट शॉप्स. कि अगर हमें वीकली मार्केट से कुछ खरीदना है तो हमें उस पर्टिकुलर डे का वेट करना पड़ता है जिस दिन वो मार्केट लगती है. डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स. क्योंकि वहां पर मेनली सस्ते और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो कई बार खराब चीजें भी वहां से निकल आती हैं. केसेस ऑफ चीटिंग द कंज्यूमर. कि लोगों को बेवकूफ भी बनाया जा सकता है. एंड बारगेनिंग. बारगेनिंग बहुत होती है. आपको जरूरी, बारगेनिंग का मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि कोई चीज मैंने 20 रुपए में खरीदी है और किसी दूसरे व्यक्ति का बारगेनिंग पावर अच्छा है, वो उसे 15 रुपए में भी बेच दे. तो वहां पर रेट फिक्स नहीं होते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन योर बारगेनिंग पावर कि आप प्राइस को कितना लो ला पाते हैं.
शॉप्स इन नेबरहुड। अब हम बात करेंगे उन दुकानों की जो हमारे घर के आसपास हमारी लोकेलिटी में होती हैं। बिसाइड वीकली मार्केट देयर आर मेनी शॉप दैट सेल गुड एंड सर्विसेज इन आवर नेबरहुड। अब इनके हमें फायदे क्या हैं? अब इनके अंदर कुछ दुकानें ऐसी हैं जो परमानेंट हैं और कुछ ऐसी हैं जो टेम्पोरेरी हैं। परमानेंट मिल्क फ्रॉम डेयरी, ग्रॉसरीज फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर, स्टेशनरी, ईटेबल और मेडिसिन फ्रॉम अदर शॉप्स। तो हम यहाँ से दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, ग्रॉसरी यानी कि हमारा रोज़मर्रा का जो राशन है, दाल चावल चीनी, स्टेशनरी हमारे जो नोटबुक पेंसिल पेन जो भी हमें चाहिए होता है, और कई बार कुक्ड फूड लाइक बर्गर पिज़्ज़ास और दवाइयाँ। और टेम्परेरी अगर हम देखें तो वेजिटेबल हॉकर्स की, वो लोग जो ठेले पर रखकर सब्जी बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, और मैकेनिक की, कई बार रोड साइड के ऊपर कोई साइकिल ठीक करने वाला, कोई शूज ठीक करने वाला, कॉबलर, तो ये सब जो है वो दे आर टेम्पोरेरी। तो यू कैन सी द मार्केट्स इन आर नेबरहुड। शॉप्स इन नेबरहुड आर यूजफुल इन मेनी वेज। अब ये जो हमारे आसपास दुकानें होती हैं ये बहुत ही यूजफुल होती हैं। दे आर नियर आर होम एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक। अब क्योंकि ये हमारे घर के आसपास ही होती हैं और हम वीक के किसी भी दिन जाकर जिस दिन भी हमें ज़रूरत हो हम यहाँ से चीज़ें खरीद सकते हैं। और नॉर्मली बायर और सेलर्स, बेचने वाला और खरीदने वाला एक दूसरे को अच्छे से जानता है, तो इसीलिए कभी कभी अगर किसी को ज़रूरत हो तो इन शॉप्स के ऊपर हम उधार में भी सामान खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप सामान खरीदने गए हैं और आप कम पैसे लेकर गए हैं तो आप दुकानदार को कह सकते हैं कि वो पैसे आप बाद में दे जाएंगे। दिस मीन्स दैट यू कैन पे फॉर द परचेज लेटर, यानी कि आपने जो सामान खरीदा है आप उसके लिए बाद में पैसा पे कर सकते।